पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गौवंश तस्करों गिरोह के बदमाशों को पकड़ा। एक बदमाश की लगी गोली। फिरोजाबाद साउथ पुलिस और गौवंश तस्कर गिरोह के बीच नगला पीपल के निकट बाईपास पर हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। वही पुलिस ने गिरोह के तीन और अन्य साथियों को भागते समय गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के गांव नगला पीपल के समीप बाईपास से योगी की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताजुद्दीन नामक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि चंद्रपाल, राजा और सलमान को काबिल करके भागते समय गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो शनिवार की देर रात करीब 12 बजे गौवंश तस्करों का गिरोह पशुओं की चोरी की फिराक में था। इसी दौरान थाना जसराना पुलिस और सौंख पुलिस ने मुठभेड़ की सूचना पर घेराबंदी कर दी। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग ताजुद्दीन नामक बदमाश के गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एक देशी तमंचा, आधा दर्जन से अधिक जिंदा और खोखा कारतूस, तीन चाकू बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए बदमाशों पर दो दर्जन से अधिक विभिन्न थानों में केस दर्ज है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। सर क्या मामला है? सर देखिए, आज हमारे जनपद की एसओजी टीम प्रभारी और एसओ जसराना सीओ जसराना को सूचना मिली थी कि एक बहुत ही शातिर गौकस गैंग, भैंस चोर गैंग आज कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसके ऊपर सूचना के हिसाब से हम लोगों ने आज यहाँ पे जो जसराना का बाईपास है वहाँ पे हमने घेराबंदी की और सूचना बहुत सटीक थी। हम लोगों ने जो ये बदमाश थे उनको घेरा चारों तरफ से। बदमाशों ने हमारी टीम पर अटैक किया, उसमें जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में एक घायल हुआ और बाकी जो उसके साथ तीन चार लोग थे सभी यहाँ से भागे। हमारी टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी करके, कॉम्बिंग करके उसको अरेस्ट किया है। तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं और यहाँ पे एक को जो घायल हुआ है उसको तत्काल यहाँ से हम लोगों ने अस्पताल शिफ्ट किया है। पूछताछ में उसने अपना नाम ताजुद्दीन बताया। ताजुद्दीन जसराना कस्बे का रहने वाला है और इसके ऊपर दो दर्जन से के आसपास मुकदमे हैं। कई बार जेल जा चुका है और यहाँ इस जनपद के, जनपद फिरोजाबाद के आसपास के जनपदों में इसने भैंस चोरी और भैंस चोरी करने के बाद उनको इलीगल तरीके से स्लॉटरिंग केस के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। आसपास के जनपदों में भी केसेस हैं। इसमें जो बाकी तीन लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।